और सुहाने मौसम का मजा लेने टूरिस्ट दूर दूर से यहाँ खींचे चले आते हैं। माउंट आबू केवल आज से ही नहीं, बहुत पुराने समय से ही लोगों को लुभाता आया है। राजस्थान के सिरोही जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर और झीलों की नगरी कहे जाने वाले शहर उदयपुर से करीब 185 किलोमीटर की दूरी पर हरी भरी पहाड़ियों के बीच मौजूद है राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू लोगों को लुभाता आया है। उस समय में भी जब राजा महाराजा या राजघरानों के लोग जब भी राजस्थान की जबरदस्त गर्मी से बदहाल हो जाया करते थे तो उनकी सबसे पहली पसंद माउंट आबू ही हुआ करती थी। यहाँ दिलवाड़ा के मंदिरों में मौजूद 11वीं और 13वीं शताब्दी की अनूठी और बेजोड़ कलाकृतियां भी बहुत खूबसूरत और अलग हैं। इन खूबसूरत मंदिरों की वजह से ही ये जगह जैन धर्म के लोगों का प्रमुख तीर्थ स्थान भी है। की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के दक्षिणी किनारों पर पसरा यह हिल स्टेशन अपने ठंडे मौसम और चारों तरफ फैली पेड़ पौधों की हरियाली की वजह से देश भर के टूरिस्ट की पसंदीदा सैरगाह बन गया है, वही प्रमुख तीर्थ स्थान भी हैं। अब अगर बात करें माउंट आबू तक पहुंचने वाले रास्ते की तो यह भी लोगों को बहुत लुभाती है। यहाँ रास्तों से गुजरते समय हमें तेज हवाओं के बीच से होकर गुजरना होता है और वही यहाँ रास्तों के दोनों तरफ मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों और हरे भरे पेड़ पौधों के बीच से होकर गुजरना भी एक अलग सा है। हनीमून पॉइंट, ये जगह सनसेट पॉइंट से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको अपने आप मालूम हो जाएगा कि इस जगह को हनीमून पॉइंट क्यों बोलते हैं। यहाँ की घाटियां और हरे भरे मैदान इतने खूबसूरत हैं कि किसी का भी मन मोह लें, शायद यही वजह। तो दोस्तों अब आइए जान लेते हैं माउंट आबू की कुछ मशहूर जगहों के बारे में जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर समुद्र तल से करीब 1722 मीटर ऊंचा है। यहाँ पहाड़ की ऊंची चोटी पर खड़े होकर जब हम नीचे और आसपास के नज़ारे देखते हैं तो लगता है मानो हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों, जहाँ सब कुछ खूबसूरत। राजस्थान के माउंट आबू में 3,937 फुट की ऊंचाई पर स्थित है नक्की झील, जो लगभग 2.5 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, हरी भरी वादियों और खजूर के लंबे लंबे पेड़ों से घिरी हुई ये झील कुल मिलाकर देखें तो लगता है मानो गौमुख टेंपल। माउंट आबू के मेन मार्केट से करीब 2.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाने पर हनुमान जी का एक मंदिर आता है, जहां इस मंदिर से जब हम करीब 700 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे तो हमें मिलेगा वशिष्ठ जी का खूबसूरत आश्रम और यहीं पर आपको दिखेगा एक अचरज से भर देने टॉड रॉक। टॉड रॉक दरअसल एक चट्टान है जो नक्की झील से बस कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस चट्टान की खास बात यह है कि यह देखने में बिल्कुल मेंढक जैसा लगता है और अपनी इसी अनोखी आकृति के चलते ये चट्टान सैलानियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू में लगभग 228 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया था। यहाँ इस अभयारण्य में पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियां आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही यहां आपको वन्य जीव महादेव टेंपल, देववाड़ा से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित अचलगढ़ में अचलेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। यहां भगवान शिव के पैर के अंगूठे का चिन्ह है जिसकी पूजा की जाती है। यहां के इस मंदिर में पीतल का बना हुआ विशाल नंदी भी है और एक विशाल त्रिशूल भी। यहाँ इस मंदिर में माउंट आबू तक आप पहुंचेंगे कैसे, आइए ये भी जान लेते हैं। यहाँ माउंट आबू से जो सबसे करीब एयरपोर्ट है वो है उदयपुर, जो माउंट आबू से 185 किलोमीटर दूर है। वहीं अहमदाबाद के लिए सबसे अच्छा समय आपके लिए कौन सा रहेगा, आइए ये भी जान लेते हैं।
वैसे तो यहाँ पूरे साल भर आया जा सकता है, लेकिन अक्सर लोग गर्मियों में यहाँ आते हैं। यहाँ पर साल के हर महीने शाम और रात के समय मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और वहीं अगर कड़ाके की सर्दियों का महीना हो तो यहाँ नक्की झील का पानी पूरी तरह जम भी जाता है, तो 67 किलोमीटर दूर है। अगर रेल मार्ग की बात करें तो आबू रोड माउंट आबू का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जो मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप सड़क मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी शहर उदयपुर यहाँ से बस 185 किलोमीटर की दूरी पर है, और उदयपुर से ईसवाल गोगुंदा एयरपोर्ट 235 किलोमीटर दूर है, जबकि जोधपुर एयरपोर्ट 267 किलोमीटर दूर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।